सो हेलो पोकी फैंस, मैं हूँ पोकी विजन जो दूर करेगा आपकी हर कन्फ्यूजन। तो भाई आप सबको पता है यार कि बहुत से यूट्यूबर्स पोकेमोन के आपको फ्यूजन्स दिखाते हैं, यानी कि समझ लो गाइस डियाल्का पालकिया इनका फ्यूजन, या फिर सारे स्टार्टर्स का फ्यूजन, या फिर बहुत से पोकेमोन जिनका आपको फ्यूजन दिखाते हैं। पर गाइस आपको पता है कि ये अगर फ्यूजन असली में एग्जिस्ट भी करता तो उसका क्या होता गाइस? नहीं सोच सकते ना। समझो डियाल्का पालकिया और गिरेटिना इनका एक फ्यूजन ले लो एग्जांपल, कोई क्रिएशन ट्रियो के ताकतवर पोकेमोन से इनका फ्यूजन हुआ तो भाई क्या होगा? सच बताओ आपको, ये झूठ बता के तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं आपको सच बताता हूँ। अगर ये लोग फ्यूजन में गए ना भाई, इन तीनों का एक पोकेमोन बन गया तो कह रहे वो तबाही मचा देगा, मतलब वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी दुनिया को। और मैं ये भी आपको बता सकता हूँ आरकेस तो वो हरा ही देगा, वो लोग आरकेस को हरा ही देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कि आपको बताए जेकराम और रेशिरान इनकी मूवी आपने देखी होगी, उसमें उन्होंने बताया था कि वो दोनों पहले एक ही पोकेमोन थे पर उनकी ओवर पावरनेस की वजह से उन्हें डिवाइड किया गया था। आरकेस को तो वो हरा ही देंगे क्योंकि आरकेस इतने पावरफुल पोकेमोन का नहीं टिक पाएगा। इन तीनों का क्रिएशन बड़ा तगड़ा तो होगा पर गाइज वो मर जाएगा। हाँ गाइज, ये मेरी रिसर्च कहती है कि जब डियाल्का पालकिया और गिरेटिना इन जैसे ताकत और क्रिएशन ट्रियो की पोकेमोन का जब भी फ्यूजन होगा तो गाइज वो डेड हो जाएगा, मतलब वो बच ही नहीं पाएगा रे, क्योंकि भाई इतनी ज़बरदस्त ताकत। आपने हुपा को ही देखा था गाइज, वो पूरी दुनिया तबाह करने निकल, जब हाँ वो पूरी दुनिया तबाह कर सकता है तो भाई ये क्या है भाई, ये तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये तो पूरी दुनिया को तबाही कर ही देगा, उस तक आरकेएस को और ख़ुद को भी तबाह कर देगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ताकत कोई भी पोकेमोन हैंडल नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से ओवर पावर हो जाएगा। और ओवर पावर होने के बाद क्या होता है, ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट मतलब पोकेमोन की डेथ, और क्या होगा। इसलिए नॉर्मली पोकेमोन कंपनी हमें किसी भी पोकेमोन का फ्यूजन या फिर उनका कॉम्बिनेशन दिखाती नहीं है। अभी ये यूट्यूबर्स और लोगों को पसंद है कि वो लोग फ्यूजन्स देखे, पर भाई आपकी मर्जी, पर ये याद रखना कि भाई वो कभी सच में होती नहीं है। ये लोगों का कन्फ्यूजन है कि भाई ये सच में होता तो ऐसा होता। इनका फ्यूजन मतलब हमारे लिए पोकेमोन डिजास्टर समझ लो भाई, सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी यूट्यूबर ने फ्यूजन डाला तो उसे अपने मन पे सीरियसली मत लेना, वो बस एक नॉर्मल चीज़ है, वो अपने इमेजिनेशन है। अगर वो सच में ऐसे करता तो मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है। बस आज के लिए इतना ही, पोकेमोन की एक छोटी सी थियोरी, छोटा सा फैक्ट आपको बताना था, बस इतना ही।